अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम फिरोज शाह। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकेंड लेक्चर फॉर एनएमडी के या ईटा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेते हैं। सिलेबस में दूसरा टॉपिक है एसी जनरेटर। डियर स्टूडेंट, एसी जनरेटर के हम दो पार्ट्स पढ़ लेते हैं। पहला है मेन पार्ट्स या मेन पॉइंट्स। आपको एसी जनरेटर के मेन पॉइंट्स मालूम होने चाहिए या आपके जहन में हो। इनके पीछे रीजंस क्या हैं, उन रीजन के रीजंस क्या हैं, ये जानना ज़रूरी नहीं है। आपको वो सारे मेन पॉइंट्स एक प्लेटफॉर्म पे मिलने चाहिए, एक पेज पे मिलने चाहिए, जिन पॉइंट्स पर आप एसी जनरेटर के एमसीक्यूज फेस करोगे। तो पहला पार्ट मेरा है मेन पॉइंट्स का और दूसरा पार्ट मैं डिस्कस करूँगा मेन मेजर एमसीक्यूज। एसी जनरेटर पर किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो एमसीक्यूज एंड मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट मेन पॉइंट इज एसी जनरेटर के बारे में आपका पहला मेन पॉइंट क्या होना चाहिए कि ये क्या है। तो यू कैन से दैट इट इज अ वर्किंग सिस्टम, इट इज अ वर्किंग सिस्टम या इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसा वर्किंग सिस्टम है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ आपके जहन में आएगा कि सर, जनरेटर तो पेट्रोल से चलाते हैं, गैस से चलाते हैं, उनमें तो केमिकल एनर्जी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पेट्रोल और सीएनजी या गैस से जो कुछ केमिकल एनर्जी मिलती है वो मोटर को मिलती है, जनरेटर को नहीं मिलती। और मोटर उस केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, फिर वही मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर का डायनामो जो है या टरबाइन जो है वो फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर को मोटर मैकेनिकल देता है, जो केमिकल एनर्जी फ्यूल की है वो हम मोटर को देते हैं, वो जनरेटर को नहीं देते। दूसरा मेन पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए अबाउट जनरेटर्स के, जनरेटर में दूसरा मेन पॉइंट क्या है। इसका इनपुट मैकेनिकल एनर्जी है, इसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये आपने याद रखना है। दूसरा मेन पॉइंट इसमें ये है कि इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से हमारे लिए ईएमएफ पैदा करता है। एसी जनरेटर जो है ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की मदद से हमारे लिए ईएमएफ पैदा करता है। ये इसका सेकेंड मेन पॉइंट है। द थर्ड पॉइंट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड इज एसी जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी का इनपुट रखता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आउटपुट रखता है। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इसका जो ईएमएफ हमें मिलता है ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से मिलता है। तीसरा पॉइंट आप जानते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिकली भी हो सकते हैं, डायनामिकली भी हो सकते हैं। अगर कंडक्टिंग सिस्टम रेस्ट में हो और आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक इंडक्शन या स्टैटिक ईएमएफ, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन अगर कंडक्टिंग सिस्टम को आप मोशन देकर इसको डेवलप करो तो फिर इट इज कॉल्ड डायनामिक। तो याद रखना कि जनरेटर में चेंज इन फ्लक्स के दौरान हम कंडक्टिंग सिस्टम को मोशन में रखते हैं या मोशन या एंगुलर मोशन देकर पैदा करते हैं। सो देयरफॉर द थर्ड पॉइंट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एक्चुअली, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एक्चुअली अ डायनामिक इंडक्शन। एसी जनरेटर में ये डायनामिक इंडक्शन है और ये मोशन ऑफ कॉयल से होता है, ये रेस्ट के दौरान नहीं होता। ये पॉइंट नंबर 3 है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी एक्सप्लेन और लेट मी इंट्रोड्यूस पॉइंट नंबर 4। हम इसके सारे मेजर पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो आप लोगों को एसी जनरेटर के बारे में मालूम होना चाहिए वो ये है कि द आउटपुट वोल्टेज, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एसी जनरेटर इज अल्टरनेटिंग। एसी जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज जो है वो अल्टरनेटिंग होता है।
अल्टरनेटिंग का आप यहाँ मतलब क्या है, आप अल्टरनेटिंग से क्या मतलब लोगे, तो वो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अल्टरनेटिंग का डेयर स्टूडेंट मतलब ये है कि इनके पोलैरिटीज़ जो हैं वो चेंज होते हैं। पोलैरिटीज़ चेंज होते हैं, क्या मतलब चेंज होते हैं, तो इनकी पोलैरिटी ऐसी है कि एक पोलैरिटी पॉजिटिव है वो थोड़ी देर के बाद नेगेटिव बन जाती है, और वही पोलैरिटी नेगेटिव से फिर पॉजिटिव बन जाती है, और एक पोलैरिटी का पॉजिटिव से नेगेटिव बदलना फिर वापस पॉजिटिव हो जाना, इसको बोलते हैं वन साइकिल। इट इज़ कॉल्ड वन साइकिल फॉर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज या वन साइकिल फॉर द एसी जनरेटर। किसी भी पोलैरिटी का पॉजिटिव से नेगेटिव होकर वापस आना, इट इज़ कॉल्ड वन साइकिल। और वन साइकिल का जो टाइम है दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। पोलैरिटी बदलता है, ना सिर्फ पोलैरिटी बदलती है डियर स्टूडेंट्स, बल्कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज में वैल्यूज भी बदलते हैं। आल्सो वैल्यूज चेंजेस अकॉर्डिंग टू वी इज इक्वल टू एन डब्ल्यू ए बी साइन थीटा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसकी पोलैरिटी भी बदलती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में बदलते रहते हैं, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं डियर स्टूडेंट्स वो वैल्यूज़ भी चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में कौन सी चीज़ क्या है, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मीन किसी भी वक्त कोई भी वैल्यू, और माय डियर स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एंगुलर स्पीड है। आपको मैंने बताया ना कि कॉयल को रोटेट करके फ्लक्स चेंज करते हैं, एंगुलर मोशन रखते हैं, डायनामिक है, तो ये वो एंगुलर स्पीड है ओमेगा। ये आर्मेचर या कॉयल का एरिया है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये बात याद रखना कि इट इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इन दो के दरमियान ये एंगल होता है। इस इक्वेशन में कई बातें हैं, इंस्टेंटेनियस में मिनिमम भी शामिल है और मैक्सिमम भी शामिल है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी वी नॉट से रिप्रेजेंट होती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव मीन कि एक पोलैरिटी में भी हो सकता है, दूसरे पोलैरिटी में भी हो सकता है, पोलैरिटी आपस में बदलते रहते हैं, तो एक पोलैरिटी में भी मैक्सिमम पीक वैल्यू, दूसरी पोलैरिटी में भी मैक्सिमम पीक वैल्यू। और ये बात याद रखिए कि वी नॉट हमेशा बराबर होता है एन डब्ल्यू ए बी के, एन डब्ल्यू ए बी के ये इक्वल होता है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स लेट मी एक्सप्लेन पॉइंट नंबर फाइव अबाउट एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के बारे में मैंने आपको कहा ये फोर पॉइंट्स, लेट मी से पॉइंट नंबर फाइव जो आपके माइंड में होना चाहिए वो क्या है, वो ये है दैट द ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम एसी जनरेटर से बनने वाला ग्राफ, उस वोल्टेज का जो इससे पैदा होता है, इस साइनोसाइडल, ये ग्राफ जो है वो साइनोसाइडल होता है। साइनोसाइडल ग्राफ मीन कि इफ़ इट इज़ अ टाइम एक्सिस एंड इट इज़ द वोल्टेज एक्सिस, तो ये ग्राफ आपको जो मिलता है इट इज़ लाइक दिस, इस बिहेवियर में है। याद रखना डियर स्टूडेंट ये हाफ साइकिल कहलाता है, ये नेक्स्ट हाफ साइकिल कहलाता है, और आप देख रहे हो कि हाफ साइकिल में वोल्टेज अगर पॉजिटिव है, एक पोलैरिटी पॉजिटिव है, तो वही पोलैरिटी नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर क्या होगी, नेगेटिव। इट मीन कि एक पोलैरिटी थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव और यही पोलैरिटी थोड़ी देर के बाद नेगेटिव होती जाएगी। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए फॉर एसी जनरेटर। आपके जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो इससे ओरिएंट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बातें हैं, बल्कि हर बात के पीछे और इसके अंदर बातें हैं, लेकिन ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड आई कैन से कि अगर आप लोगों में एसी जनरेटर का क्वेश्चन टेस्ट में फेस करना होगा तो उनका इन्हीं पॉइंट से ताल्लुक होगा, इनके पीछे की बातों से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए। तो मैं इन्हीं पॉइंट से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूं। हमने मेन पॉइंट्स ऑफ एसी जनरेटर पढ़े, अब एसी जनरेटर पर जो अच्छे एमसीक्यूज पॉसिबल हैं मैं ट्राई करता हूं कि आपके लिए वो एमसीक्यूज मेंशन करूं। सो लेट मी डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ माय टॉपिक एसी जनरेटर। नाउ
आई एम डिस्कसिंग द मेन एमसीक्यूज आइडिया. क्वेश्चन नंबर वन आपसे कर लेता हूँ. दैट फर्स्ट करें, मैं ऐसा कहूँ दैट इफ द पीक वैल्यू, इफ द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज फ्रॉम एसी जनरेटर इज वी नॉट एट ओमेगा, वट विल बी द पीक वैल्यू इफ ओमेगा बिकम हाफ. ऑप्शन ए v0 by 2, v0 by 4, और ऑप्शन डी ऑल पॉसिबल. तो डियर स्टूडेंट, द आंसर इज v0 by 2. अब व्हाट इज द सोल्यूशन आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन? द सोल्यूशन आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज दैट पीक वैल्यू हमने पढ़ा v0 इज इक्वल टू nWAB. इसका मतलब है कि ये ओमेगा के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, लिहाजा जैसा ओमेगा वैसा पीक वैल्यू. तो अगर आपने कहा ओमेगा हाफ हो चुका है तो पीक वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, nV0/2 बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर टू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एसी जनरेटर का क्वेश्चन नंबर टू. एंड दैट इज दैट द टाइम इन विच पॉजिटिव पोलैरिटी चेंजेस टू नेगेटिव पोलैरिटी, वो टाइम जिसमें पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज नेगेटिव पोलैरिटी में चेंज हो जाती है इस 5 सेकेंड, वट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज. मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 0.2 हर्ट्स, ऑप्शन बी 0.1 हर्ट्स, ऑप्शन सी इट इज 10 हर्ट्स, और एहतियातन लेते हैं नन ऑफ दीज. तो डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस. आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप मुझसे कहेंगे कि सर, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक पॉजिटिव पोलैरिटी है, एक नेगेटिव. मैंने आपको बताया कि यहाँ से इस तरफ जाना इज़ नॉट वन साइकिल. आपको बताया कि पॉजिटिव का नेगेटिव में जाना इज़ नॉट वन साइकिल, बल्कि इसका पलट कर वापस पॉजिटिव होना इट रिप्रेजेंट वन साइकिल. इसको वन साइकिल बोलते हैं, लिहाजा एक साइकिल के टोटल टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं. यहाँ आपको धोखा दिया जा रहा है, वो धोखा इस तरह है कि कहते हैं कि वो टाइम जिसमें पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी में बदल रही है, वो टाइम जिसमें पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव में बदल रही है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाने का टाइम आपको 5 सेकेंड दिया. इसका मतलब है कि 5 सेकेंड इस तरफ से और 5 सेकेंड इस तरफ से, तो आपने टाइम पीरियड 5 नहीं लेना, ये हाफ ऑफ टाइम पीरियड है. फिर पलट कर 5 मजीद लेगा तो हम टाइम पीरियड कितना लेंगे? 10. अब फ्रीक्वेंसी 1/T मालूम करें, सो यू विल गेट 1/10 मीन 0.1 हर्ट्स. यकीन करें ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, वो इस टाइम को फ्रीक्वेंसी में पुट कर लेंगे, 1/2 और 1/5 ले जाएंगे. उनके ख्याल में पॉजिटिव से नेगेटिव जाना इट इज़ टाइम पीरियड. तो डेयर स्टूडेंट्स, ये 1/5 अगर आप लोगे तो आई थिंक इट इज़ 0.2, और देखो ऑप्शन ए में 0.2 है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है. 0.1 हर्ट्ज इसका सही आंसर है. एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट एसी जनरेटर, और वो है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्न्स एंड एंगुलर स्पीड इफ फॉर 64 वोल्ट पीक वैल्यू
the product of, for 64 volt peak value, the product of area and strength is 8. Option A, 8 units. Option B, 16 units. Option C, 12 units. और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसका सलूशन क्या है? आप कहेंगे सर हमने पढ़ा कि पीक वैल्यू इज इक्वल टू एन डब्ल्यू ए बी. एन डब्ल्यू ए बी ओके. फिर कहो सर आपने कहा है कि पीक वैल्यू 64 है, ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ टर्न्स एंड ओमेगा ये मालूम कर रहा हूँ, जबकि इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 8 दिया गया है. तो डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाई 8 you will get the product of turns in omega is 8. Hence the correct option is option A. Last question for AC generator and question number 4 is, question number 4, last question. Let me say that if the value of alternating voltage AT by 4 is 0, what will be its value at T by 2? Option A, it is, option A, it is 0. Option B, it is V naught. Option C, in between 0 and V naught. और ऑप्शन डी ऑल पॉसिबल. अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप ग्राफ को देखो, जो ग्राफ लास्ट पॉइंट में मैंने ग्राफ बनाया, अगर डेयर स्टूडेंट्स आप उसको देखें तो आप इसको फौरन सॉल्व कर सकते हैं. मैं इसका आइडिया आपको दे रहा हूँ ग्राफ बनाकर. अगर आप देखें तो ग्राफ हमने ऐसे बनाया था. इस ग्राफ में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये 0 है, ये T by 4 है, ये T by 2 है, और ये 3T by 4 है, और ये T है. मतलब हर गेप T by 4 के बराबर है. तो देखो 0 V naught, 0 V naught, 0. इसका मतलब ये है कि ग्राफ को देखकर मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूँ. जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इस ग्राफ में मैंने जो डिस्कस किया उस पर नहीं समझे, क्योंकि इसको समझाने के लिए इसको सही तरह बनाना पड़ेगा, और वो आपके लिए फ़िलहाल इन दिनों में नहीं है. आपने अपने MCQs को क्लियर करना है. उस MCQs को क्लियर करने का रीज़न आपके माइंड में होना चाहिए, इट्स इनफ फॉर यू. उस रीजन्स के पीछे रीजन्स क्या है, फॉरगेट अबाउट दैट. तो मैं एक कंक्लूजन सा लिख रहा हूँ आपके लिए, वो एक क्वेश्चन आपको आसान करेगा आपके लिए. याद रखना कि हर टी बाय फोर के बाद ज़ीरो वी नाट में और वी नाट ज़ीरो में बदलता है. हर टी बाय फोर के बाद, हर टी बाय फोर के बाद ज़ीरो वी नाट में और वी नाट ज़ीरो में बदलता है. तो अब मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है कि टी बाय फोर पर ज़ीरो है, तो टी बाय टू पर क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, टी बाय फोर और टी बाय टू के दरमियान कितना टाइम लगा? टी बाय फोर मजीद, यानी टी बाय फोर से टी बाय टू तक जाने में एक टी बाय फोर लगा, और टी बाय फोर जीरो को वी नाट बनाता है और वी नाट को जीरो. तो अगर टी बाय फोर पे जीरो है तो आफ्टर टी बाय फोर यानी टी बाय टू पे ये मजीद वी नाट होगा. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. आई थिंक आप समझ गए हों. विश यू ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट. अल्लाह हाफिज़.